पर धान खरीदी को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। ताजा मामला सीमावर्ती थाना क्षेत्र का है, जहां पर धान परिवहन करने पर कार्रवाई के साथ ही साप्ताहिक बाजारों में धान खरीदी पर भी रोक लगा दी गई है। धान खरीदी पर रोक लगाने के बाद से गल्ले के व्यापारियों में काफी गुस्सा है। विरोध में सुकमा के कोर्रा, पुष्पाल और चिंदगढ़ साप्ताहिक बाजारों में गल्ले के व्यापारियों ने दुकान बंद करके विरोध दर्ज किया। व्यापारियों ने कहा है कि बाजारों में उन्हें धान खरीदने दिया जाए। इधर दूसरी तरफ गल्ला व्यापारियों की दुकानें नहीं लगने के कारण ग्रामीणों ने अपना धान बाजार में ही फेंक दिया है। तो प्रभाव पड़ रहा है कि जो आदिवासी आज 50 किलोमीटर बीच में चल के आ रहे हैं लोग, उनका पूरा जनजीवन इसी में आधारित है। तो वहाँ से लेके चलते हैं 200-400 का सामान, पूरी सामान ही देते सर बेच, तो वो लोग सर यहाँ से पैदल वापस जा रहे हैं, पूरे बाजार में एकदम हाहाकार मचा हुआ है। जो पब्लिक है उसकी भी रोजी रोटी चल रही, वो अपना सामान बेच के बाजार में सब्जी भाजी नमक तेल लेते हैं, और हमारे जो छोटे व्यापारी हैं उनका भी वही हाल है। तो प्रशासनिक अधिकारी जितने हैं, जो भी कांटा में धान मिल जाता है उसको उठा के जब्त कर देते हैं, तो इसलिए सारे व्यापारियों में आक्रोश है और बोले हैं कि हम बाजार ही बंद कर दें।